सखा मेरा सकरम आ गया, मेरा सकरम आ गया, मेरा सकरम आ गया, ये बातें सकरम वाला पर माधवी हमारा सखरम वापस आ गया, बर्थडे के दिन ही वापस आ गया और बिल्कुल सही सलामत होके आया। बादल जी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा सखरम मुझे सही सलामत वापस दे दिया। अरे भिड़े थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, तुमने मुझे मेरी गाड़ी सही सलामत वापस कर दी ना, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारा सखरम तुम्हें सही सलामत वापस कर दूं। सखरम भाई मेरी वजह से आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। अरे और भिड़े भाई आपको दिल से सॉरी। नहीं कोई बात नहीं बादल भाई, बस एक विनती है मेरी, आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। क्या है गलती सभी से होती है, सबक सिखाने सब कुछ नहीं होता, कभी कभी माफ भी करना चाहिए। एक बात बोलूं भिड़े भाई, ये शिक्षा मुझे एक शिक्षक से ही मिल सकती थी, मैंने आपको इतना परेशान किया फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया, मान गया आपको भाई। अरे बादल बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिसके पास सत्ता होती है ताकत होती है उसे उसका इस्तेमाल कभी भी अपने से कमजोर लोगों को तंग करने के लिए नहीं करना चाहिए। वाह 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 बापूजी वाह। हाँ चाचा जी आप गोकुलधाम वालों की एकता की ताकत के सामने कोई भी ताकत बेकार है, आपके दोस्ती को सलाम। अरे एक दूसरे के लिए गोली खाने के लिए तैयार हो गए आप? ओ बादल ब्रा हम यारों के यार हैं, मुसीबत में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ। तो क्या? और बात देने पे आए तो जान भी दे देते हैं। अरे मुसीबत में क्या वैसे भी अकेला नहीं छोड़ते एक दूसरे को, तो मुसीबत में तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। फिर एक बार मैंने जो किया उसके लिए सबको सॉरी। अरे बादल बहन जी मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं बादल भाई आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भिड़े बहन मेरी माँ हमेशा कहती है कि माफी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन जो माफ कर देता है ना वो बहुत बड़ी देर वाला होता है। और खरेखर भिड़े बहन भिड़े भाई आप दोनों बहुत बड़े दिल वाले हैं। और बादल भाई आपसे फिर से विनती करती हूँ कि आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करना हो प्लीज। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं सुधर जाऊंगा। सुधर जाऊंगा मतलब सुधर गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या? आज सखराम का बर्थडे है तो केक मेरी तरफ से। हितेश केक लेके आओ। बदल भाई एक बात पूछनी है आपसे, ओ कुल्फी का बदला लेने के लिए कहीं आपने केक में बेहोशी की दवाई तो नहीं मिलाई है ना? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जेठा भाई। अच्छा भिड़े भाई एक काम करो, आपके हाथ में जो पीस है ना वो पहले मुझे खिला दो बस। अरे नहीं नहीं बादल भाई आपने बोल दिया तो हमें तसल्ली हो गई। नहीं नहीं फिर भी जेठा भाई की तसल्ली के लिए खिला दो। नहीं नहीं वैसे तसल्ली की कोई बात नहीं हो क्या, आप जैसे डॉन लोगों का पूरा कारोबार बदला की भावना से चलता है ना।
इसलिए मुझे लगा शायद कहीं आपने बदला लेने के लिए कहीं मिलाई तो नहीं बेहोशी की दवाई इसलिए। बाकी नहीं, आपने बोला आप सुधर गए तो अभी 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 कोई कोई टेंशन नहीं, कोई शंका नहीं है। ठीक है। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, ऐसी बात है तो पहले मुझे केक खिला दो, मुझसे रहा नहीं जाएगा। अरे क्या बात है बेटा, वाह 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 वाह, क्या गरबा खेले आप, एकदम अलग है बिल्कुल। थैंक यू। क्या है ना, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। ओ, कर रहे थे। चलो तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। वैसे सोड़ी, तुमने उस बादल डॉन को 12 घंटे का चैलेंज देके अच्छा किया, मतलब प्लानिंग करने के लिए अच्छा समय मिला। थैंक यू। ओ, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं 6 घंटे का चैलेंज देके आऊंगा। रोशन, सोली भाई, कहते ओ मजाक कर रहा हूँ यार। अरे भाई मजाक में भी ऐसा मत बोल सोड़ी, अभी मेरा सकारा मुझसे कभी नहीं जुदा होगा। हाँ, और ऐसी परिस्थिति कभी किसी पर ना आए बाबा। ओ ना जी ना, कभी ना आएगी। वैसे मैं आप सबको एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सबने मेरा इतना साथ दिया, मेरे सखाराम को वापस लाने में मेरी इतनी मदद की, बहुत बहुत थैंक यू। पटलाल, जेठालाल, अय्यर, तुम तीनों को खास थैंक यू। अरे थैंक यू, मतलब तुम तीनों अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ पे कुल्फी वाले बंद कर गए। और अब्दुल भाई, सलाम है तुझे भाई, डॉन ने तुम पर बंदूक तानी थी फिर भी तुम जरा भी नहीं घबराए, डटे रहे, क्या बात है अब्दुल। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर अब्दुल भाई। थैंक यू, सच में तुम सबका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम ही है। अरे बस भाई बस, अभी रुलाएगा क्या। तो भिड़े, सखाराम सिर्फ तेरा नहीं है। अरे भाई, तू सखाराम को अपने परिवार का सदस्य मानता है ना, तो फिर ये गोकुलधाम सोसाइटी का भी सदस्य हुआ, और गोकुलधाम हमारा परिवार, तो हमने जो कुछ भी किया है वो हमारे परिवार के सदस्य के लिए किया है। हाँ बिल्कुल, वाह पोपटलाल वाह, क्या बात कही है भाई, क्या बात है। एक्चुअली भिड़ी भाई, कहते हैं ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी अनेकता में एकता का प्रतीक है। सही बात है। वैसे पोपटलाल, तुमने जो अभी सखाराम की बात की ना, उसके ऊपर से मुझे लगता है कि तुम्हारा छाता भी सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गोकुलधाम का है ना। अरे हुआ ना, लेकिन सिर्फ ध्यान रखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं, वो सिर्फ मैं ही करूंगा। चलो भाई, अंत वाला तो सब भला, क्या क्या जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत का भला। गणपति बाप्पा गोरिया, मंगल मूर्ति गोरिया, बाबा I'm so happy, सखाराम फाइनली घर वापस आ गया। अब हम उसे ये कवर पहना सकते हैं। बिल्कुल पहनेंगे, बोला था ना ये कवर जरूर पहनेंगे सखाराम को। आई ने बोला था ना। लेकिन सच कहूं, सखाराम के वापस आने के बाद आज सही मायने में दिल को चैन मिला है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें 2 दिन परेशानी हुई, लेकिन गोकुलधाम वासियों की एकता और हिम्मत की वजह से बादल भाई जैसे डॉन का हृदय परिवर्तन हुआ है। मोटी गोष्ट है, नहीं कर रहे, खरे, बिल्कुल सही काम माधवी। अब वो बादल भाई बिना वजह किसी को परेशान नहीं करेंगे। वैसे बाबा, आज सखाराम का बर्थडे है तो क्यों ना हम उसे बाहर घुमाने लेके जाएं? हाँ बिल्कुल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, धमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जाएंगे सिद्धि विनायक बाप्पा का आशीर्वाद लेने। बोला गणपति बाप्पा।
ये लीजिए, बस गर्मा गर्म चाय पीजिए और रिलैक्स हो जाइए। हाँ हाँ, गेतो गेतो माधवी, सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे सर पे हिमालय रख दिया था, वो हट गया है। वो आपका प्यारा बेटा सखाराम जो वापस आ गया है? वो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब जान बची सखाराम की, घर आ पाए, इसका मतलब आप वे अब बोलना बोलना बुद्धू बुद्धू बोल, तुमसे शादी करने वाला बुद्धू ही तो होगा। क्या हुआ, क्या देख रही हो? आपको बहुत दिनों बाद हंसते हुए देख रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सखाराम नहीं था तो जैसे आपकी हंसी गायब ही हो गई थी। नहीं हाँ, नहीं तो गए, मेरी तो सांसें अटक गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा मत कहिए। क्यों? गोकुलधाम में कभी भी कहीं पे भी टेंशन आ सकता है। हाँ, आदमी अभी चैन की सांसों की गिनती करे, इससे पहले की खतरे की घंटी बजी जाती है। बज गई खतरे की घंटी। शुभ बोल माधवी, ऐसा मत बोलो, मुझे इस वक्त कोई टेंशन नहीं चाहिए। मैं मजाक कर रही हूँ। अरे अब्दुल भाई, आइए आइए। ओहो, अब्दुल है, मुझे लगा टेंशन है। बड़े भाई, टेंशन तो है, देखा आ गया ना टेंशन। आहो, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मजाक में बोलने की क्या जरूरत थी, वास्तु हमेशा तथास्तु बोलती रहती है, मालूम है तुम्हें? उठूं कुठे, आहो क्या टेंशन है भाई? अरे भिड़े भाई, सकाराम के चक्कर में एक बहुत जरूरी काम तो भूल ही गए। कौन सा काम? कल कौन सा दिन है? कल 24 तारीख थी, आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी है? हाँ, 26 जनवरी। माधवी, कल 26 जनवरी है। अरे कल 26 जनवरी है, पर 26 जनवरी की कोई तैयारी नहीं की है सोसाइटी में। हाँ भिड़े भाई, यही तो टेंशन वाली बात है। कल 26 जनवरी है, अब क्या करेंगे? आहो, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे तो और कौन टेंशन लेगा, मैं हूँ ना। अरे सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी कौन है? आप तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी है। तो टेंशन कौन लेगा? आप ही लेंगे फिर। लेकिन मैं भी टेंशन ले सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी मैं हूँ, तो सिर्फ मैं ही टेंशन लूंगा। अरे आप लोग क्या, कौन टेंशन लेगा, कौन टेंशन लेगा, खेल रहे हो? टेंशन ना लू तो क्या करूँ माधवी, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? अब एग्जाम देने बैठे स्टूडेंट की तरह अकेले थोड़ी है, अब्दुल भाई है, टप्पू सेना है, और सोसाइटी के बाकी कमेटी मेंबर्स भी है, तो सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट दीजिए ना, तो एक दिन में हो जाएगा पूरा। नहीं का हो जाएगा। हाँ, अभी यही करना पड़ेगा। अब्दुल, पहले टप्पू सेना को मिलते, उनको काम समझाते, उसके बाद हम लोग डेकोरेशन का सामान लेने चले जाएंगे। हाँ चलो। हाँ, चलिए चलिए। चाय तो पी लीजिए अब्दुल भाई, आप बैठे हुए चाय लेकर। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं। वो चाय मैं बाद में पी लूंगा। और चाय पीने में कितना टाइम लगेगा, पी लीजिए ना फटाफट। मुझे शांति से आराम से बैठ के चाय पीनी थी, अभी ये फटफट फटफट पीनी पड़ रही है। सावकाश, कैसे पीता है? चलो 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 चलो। सावकाश, टेंशन मत लेना ज्यादा। आहो दोस्तों, तकलीफ हो गए माया जाल, सखाराम की चिंता भरे ख्याल और बादल भाई के बवाल के खत्म होते ही भिड़े के लिए एक नया टेंशन शुरू हो गया है। भिड़े 26 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में भूल गए। अब ये गोकुलधाम या जिसका भी लो नाम, वो उल्टा ही करता है काम। अब देखना ये होगा कि भिड़े किस तरह से 26 जनवरी का कार्यक्रम करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, हम 29 राज्यों, 1600 से अधिक भाषाएं और लगभग 123 करोड़ लोग और विभिन्न बोलियां संस्कृति से परिपूर्ण राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले इस विशाल गणराज्य भारत को सलाम करते हैं। इस 67वें गणतंत्र दिवस पे हम सभी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ भिड़े किस तरह से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम करते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.